हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं जयप्रकाश, मार्केट एनालिस्ट विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। कल हमने क्या डिस्कशन किया था आज के मार्केट के लिए, मार्केट ने कैसा प्ले किया और कल कैसा प्ले करेगा। निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन, निफ्टी और कमोडिटी मार्केट का स्टार्ट करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, कॉपर और क्रूड ऑयल। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको सिखा था कि निफ्टी के जो स्पॉट कल 30 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ था, जबकि फ्यूचर 74 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ था। तो जो एडजस्टमेंट प्ले हुआ था, जो फ्यूचर डिस्काउंट में चले गए थे, आज अगर आप देखेंगे तो आज उसमें फिर से प्रीमियम आ चुका है। क्योंकि अगर स्पॉट देखें तो स्पॉट 5 पॉइंट अप है और फ्यूचर 65 पॉइंट्स। सेम बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी का स्पॉट 75 पॉइंट्स डाउन में है जबकि फ्यूचर 2 पॉइंट्स अप में है। फिर निफ्टी में अगर आप देखें तो 29 पॉइंट्स का डाउन है और फ्यूचर 45 पॉइंट्स अप में है। ये जो फ्यूचर का प्राइस है, अभी थोड़ा सा मार्केट में जब पूरा डेटा आ जाएगा फिनो का, तो उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, तो 5-10 पॉइंट का आप ये डाउन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं की। कल अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया भी था कि मार्केट अभी इसी रेंज में प्ले करके टाइम पास करेगा लगभग 6-7 दिन, और उसके बाद या तो फिर इसी थर्सडे के बाद से कोई मूव देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो ऑप्शंस में प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा थे और ऑप्शंस प्रीमियम को ही मेल्ट किया जा रहा है। ऑप्शंस वायर का अगर आप देखें तो लिटरली आज बहुत ही कम पैसा बना होगा। मार्केट ने शुरुआत में थोड़ा सा अप मूव दिया, फिर डाउन भी गया, फिर अप मूव दिया और लास्ट में फिर डाउन चला गया। जब भी मार्केट अप डाउन करते रहता है तो ऑप्शंस वायर को काफ़ी कम पैसा मिलता है। स्कैल्पिंग में हो सकता है कि किसी ने 40-50 पॉइंट ऑप्शंस में लिए हों, लेकिन उसमें भी एक रिस्क रहता है कि मार्केट किस पॉइंट से अप चला जाएगा या डाउन चला जाएगा, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं आया। अगर देखेंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश की कर फिर वहाँ से फिर से भी डाउन आया। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज ओपन हुआ फ्लैट ही ओपन हुआ, लगभग 30-40 पॉइंट का अप में, और फिर उसके बाद फिर से डाउन गया और लो उसने बनाया 23,205 के आसपास का, और फिर वहां से अप मूव जाने की कोशिश किया। अप मूव के लिए भी अगर आप देखेंगे तो इसने फिर से हाई बनाया मार्केट ने 22,389 के आसपास का, और फिर वहां से फिर से डाउन आया। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो ये कि जो मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है वो दिख रही है कि फ्रेश बाइंग की, और जब तक मार्केट में अभी कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है तब तक मार्केट अभी इसी रेंज में प्ले कर सकता है। अब बड़ी न्यूज या तो हो सकता है कि मार्केट अभी फेड के इवेंट का वेट कर रहा है, उसके बाद ही मार्केट या तो डाउन जाएगा या ऑल टाइम हाई फिर से हाई लगाएगा। तो मार्केट का अभी जिस चैनल में चल रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो जब भी, मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट जब भी एक ऑल टाइम हाई बनाता है तो अप्रॉक्स 300 पॉइंट्स का एक मूव देता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई बनाया था 22,760 के आसपास, फिर उसने हाई बनाया 23,100 के आसपास, और फिर से अभी उसने 400 के आसपास। तो मार्केट अभी 300 पॉइंट्स, जैसे ही हाई ब्रेक करता है उसके बाद 300 पॉइंट्स का एक अप मूव देता है। तो मार्केट में अभी भी अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो ट्रेड करने के बाद मार्केट में फिर से हम 23,700 टू 23,800 तक का मूव देख सकते हैं। तो कल के लिए भी जो रहेगा, तो आज का जो अगर लो ब्रेक करता है 23,230 इस लेवल के आसपास का जो ब्रेक करता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस है, तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा या फिर 23,200 को एक बार ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो फिर 23,132 फर्स्ट टारगेट, देन 22,980 सेकंड टारगेट होगा। अपसाइड में अगर आप देखें तो अपसाइड में जो क्लियर ट्रेड मिलेगा वो हमें ऑल टाइम हाई के बाद ही मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हाई ब्रेक करता है, यहाँ पर भी इसने हाई ब्रेक किया था, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बस ऊपर गया, फिर उसने लेकिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी 23,390 के आसपास गया और फिर वहाँ से ही फिर से डाउन मूव दिया।
तभी मार्केट में ऐसा चलते रहेगा, क्योंकि कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है। तो निफ्टी के में अगर आप देखें तो ऑल टाइम है, अगर ब्रेक करता फिर 23501, 23630 और फिर 23777 और फिर 23938, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। एक बार ऑल टाइम हाई को ब्रेक हो जाने दीजिए या फिर 23200 को ब्रेक हो जाए, उसके बाद मूव मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है उसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी इसी रेंज में 200-300 पॉइंट की रेंज में अप डाउन करती रहेगा बार बार, ना तो डाउन साइड में ज़्यादा मूवमेंट देगा ना अप साइड में, और मार्केट इसी रेंज में प्ले करके जो भी ऑप्शंस के प्रीमियम है उनको डिके करेगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आज जैसे ADX जो ये ब्लैक लाइन लगी हुई है डाउन साइड में, तो 19.55 के आसपास है। ADX जब तक 25 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ऐसे ही मूवमेंट स्लो रहेगा और अप डाउन करता रहेगा। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर ADX ने खाई बनाया था और फिर उसके बाद डाउन धीरे धीरे जाते गए, तो उसके बाद मोमेंटम ही अगर आप देखें तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्लो होते जा रहा है। तो ADX का अगर आप देखें तो ADX हमें ये बताते हैं कि मार्केट में मोमेंट कैसा आ रहेगा, फास्ट आएगा या फिर स्लो आएगा। तो जब तक ये भी डाउन जाते रहेगा तब तक हमें ऐसे ही मोमेंट मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ही 25 के ऊपर जाने की कोशिश करें तो फिर अपसाइड हो या डाउन साइड हो, जिस भी साइड होगा ट्रेंड वहाँ पर हमें मोमेंट जो मिलेगा वो फास्ट मिलेगा। तो ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट 23277 के आसपास क्लोज हुआ, फ्लैट ही है, कल की रेंज के आसपास ही क्लोज है। लेकिन अगर फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में हमें 60 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम मिला है। लेकिन अगर फिर आप देखेंगे तो कल जैसे बाई साइड में कॉल साइड में प्रीमियम सभी के ह्यूज दिखे हुए थे, तो आज पुट साइड में है। कॉल्स में अगर आप देखेंगे तो एट द मनी में 30 पॉइंट्स से लेके 25 पॉइंट्स ऐसे प्रीमियम डिके हुए हैं, जबकि पुट साइड में अगर आप देखें तो पुट साइड में 80 से लेके 90 पॉइंट्स तक के डिके हुए हैं। तो मार्केट ने किया क्या कि कल कॉल साइड के ऑप्शंस को पूरा डिके कर दिया और आज पुट साइड के। तो बड़े प्लेयर्स जो भी हैं उनका केवल अभी कोई ज़्यादा हैवी पोजीशंस अप साइड या डाउन साइड बनाने के लिए नहीं है और वो प्रीमियम डिके ही करना चाहेंगे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एट द मनी में लगभग 110 पॉइंट्स के प्रीमियम है दोनों साइड में, 110 लगभग 220 के आसपास। तो 220 पॉइंट्स का प्रीमियम काफ़ी होता है, और कल अगर आप देखेंगे तो यही प्रीमियम कल के जो 110 पॉइंट्स का प्रीमियम है वो 40 पॉइंट्स और डिके होगा। तो अप्रॉक्स कल जो क्लोजिंग के आसपास का प्रीमियम आपको एट द मनी के कॉल्स और पुट में देखेंगे तो 70 से लेके 75 पॉइंट्स का प्रीमियम बचेगा। तो अच्छा खासा डीके हो रहा है, और थीटा भी अगर आप देखें तो 27 टू लेके 28-29 तक भी है। तो आपका जो ओवरनाइट डीके है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन ही हो रहा है। अभी फेड के इवेंट के पहले US मार्केट में अगर आप देखें तो US मार्केट भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट दे नहीं रहा। कल भी अगर आप देखें तो कल भी मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है और फ्लैट क्लोजिंग ही दे और पूरा प्रीमियम नीचे करेगा। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो अभी कॉल राइटर्स हैं वो हैं 23500 के आसपास, और फिर जो पुट राइटर्स हैं पुट राइटर्स ऐड हुए हैं आज अगर आप देखेंगे तो 23200 में 50 लाख पुट राइटर्स हो गए हैं, और जैसे पुट राइटर ऐड हुए हैं 16 लाख के आसपास हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई, मार्केट ये मान के चल रहा है कि 23200 अभी ब्रेक नहीं होगा और इसमें जो भी प्रीमियम है वो अभी 81 पॉइंट्स का। तो मार्केट अगर 23130 के नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से ये जो प्रीमियम है पुट राइटर्स ये रिस्क में आएंगे और मार्केट में एक शार्प मूव दे सकते हैं। लेकिन मार्केट अभी इसी रेंज में रह सकता है, तो आप ऑप्शन स्वाइंग को अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो आज फिर निफ्टी के एक्सपायरी के कारण बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, जो मूवमेंट भी दिया वो काफ़ी स्लो दिया। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 29700 के आसपास ये 49700 के आसपास प्रीमियम क्लोज हुआ है, और सभी का डीके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव डीके है, 160 पॉइंट से लेके 180 पॉइंट तक का। मतलब अगर आपने
कोई सभी ऑप्शंस बाई किया है और उसको होल्ड करने की कोशिश की है तो सभी में अच्छा खासा डीके हुआ है। आपका 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला भी हो तो फिर भी प्रीमियम डीके ने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कम कर दी है। अगर आप देखेंगे तो कल जिसने भी बाई किया होता लास्ट में उसको 300 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला भी होता लेकिन प्रीमियम डीके इतना है कि 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं मिल पाया। ऑप्शन सेलर्स का ही वे पैसा बन रहा है तो ऑप्शन सेलर्स का ही अभी कल भी हो सकता है कि ऐसा ही रहे। मार्केट अभी फेड के इवेंट का वेट करके फ्राइडे को मूव दे सकता है या फिर अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो तो फ्राइडे के बाद भी चेंज कर सकता है। तो निफ्टी का अगर आप देखें तो निफ्टी में जो रेंज है रेंज में ही रहेगा निफ्टी और इसी रेंज में अभी टाइम पास कर सकता है तो बहुत ज़्यादा बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो निफ्टी में हमें अभी ऐसे ही प्ले करते रहना है। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है तो बैंक निफ्टी भी रेंज में ही रहेगा। आजकल लो और हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें थोड़े से 200-300 पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेवल्स आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। फिर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो फिर निफ्टी में भी क्लोजिंग लेकिन बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ने निगेटिव दी है। अगर आप देखेंगे तो जो ब्लू लाइन है ब्लू लाइन के डाउन साइड में दी है तो हमें थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड के लिए हमें तभी प्ले करना है जब हमारा 22 ब्रेक हो तभी अपसाइड के लिए देखना है और डाउन साइड के लिए हम इसमें प्ले कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो दोनों में हम डाउन मूव के लिए एक बार प्ले करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी ज़्यादातर रेंज बाउंड ही रहेगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के कारण भी ज़्यादा मूव एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप इसमें अभी बहुत ज़्यादा मूव ना लें, स्कल्पिंग ही ट्रेड ले सकते हैं। 50-60 पॉइंट मिल जाए उतना ही बहुत है। इंडिया बिक्स भी अगर आप देखें तो इंडिया बिक्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, जो 30 पहुँच गया था वो 15 के भी नीचे आ गया है। तो इंडिया बिक्स इसी कारण से मूवमेंट अभी मिल नहीं रहा तो मार्केट में अभी अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो रहा है तो ऑप्शंस बाइंग अभी अवॉइड ही करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमोडिटी मार्केट का। कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड, जैसे कि कल मैंने कहा था कि गोल्ड जब तक अभी ट्वेंटी थ्री सेवनटीन इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें एक डाउन मूव मिल सकता है। आज अच्छा खासा इसने डाउन भी दिया लगभग 20 पॉइंट्स का और फिर उसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो हमने जो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर लिया है, अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, 2300 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है और हमने कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में ही है 2420 से लेके तो अभी हमने प्रॉफिट बुक किया है और एक फ्रेश एंट्री भी इसी प्राइस के आसपास बनाई है 2300 के आसपास और जो हमारे फर्स्ट टारगेट हैं वो अभी 2317 और फिर 23131 और फिर 2351 तो 2351 से लेके 2348 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं और अगर मोमेंट कंटिन्यू रहेगा तो फिर हमें अपसाइड के टारगेट 2371 देन 2392 देन 2417 और उसके बाद 2337 और देन फाइनल टारगेट जो अभी रहेगा वो रहेगा 2458 और फिर 2463। डाउन साइड के लिए अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में जैसे ही आज का लो ब्रेक होगा 2297 के आसपास, जैसे ही लो ब्रेक होगा तो फिर हमें जो फर्स्ट हमारा टारगेट मिलेगा 2285 2265 2245 और फिर 2240 यहाँ तक के टारगेट मिलेगा और उसके बाद भी अगर मार्केट डाउन साइड में मूव जाता है तो 2215 और फिर 2198 देन 2178 यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये केवल अभी लेवल्स हैं, मैक्सिमम जो हमें टारगेट अभी मिलेगा वो डाउन साइड में 2241 की मिल सकता है 44 तक, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अभी जो अगर आप देखें तो अभी हमारी बाई पोजीशन ही है तो एक हम एक्सपेक्टेड मूव कर रहे हैं तो हार्मोनिक पैटर्न में जैसे
अगर आप देखें कि बॉटम और टॉप कैसे बनते हैं, तो बॉटम और टॉप को अगर आप देखें तो जैसे प्राइस ने अच्छा खासा फल दिया था यहाँ से 2388 के आसपास से, और फिर इसने लो बनाया 2285-86 के आस, फिर एक इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की 2315 के आसपास, लेकिन वो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया, और रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप देखें तो जो इसने लो बनाया वो यहाँ पर बेस के आसपास ही बनाया 2300 के आसपास, और इसने रिसेंट जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ से फिर से अब मूव जा रहा है। अब अगर ये रिसेंट जो अप था 2314 के आसपास अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें और बड़े अपसाइड के मूव देख सकते हैं, तो फिर हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा कि अभी जो रिसेंट का टॉप डाउन बना है 2286 ये हमारा बॉटम है, और फिर हम इसमें बाय ऑन डिप स्टार्ट कर देंगे। एमसीएक्स के भी चार्ट में देखेंगे तो एमसीएक्स भी चार्ट भी सेम ही शो कर रहा है, लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मैं प्रीफर करता हूँ वो कॉमर्स का चार्ट करता हूँ। हाँ, ट्रेड हम भले ही एमसीएक्स में करते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कॉमर्स का चार्ट कॉमर्स के लेवल लिखे हैं, और ट्रेड के लिए हम एमसीएक्स में करेंगे। सेम सिल्वर, सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी आज हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है 2910 के आसपास, और यहाँ से ही फिर हमने एक बाय ट्रेड भी इनिशिएट किया है। तो बाय ट्रेड का अगर आप देखेंगे तो बाय ट्रेड यहाँ से जैसे ही ये 2930 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें जो अपसाइड का फर्स्ट टारगेट मिलेगा 2962 से लेके 2935 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करें फिर 31147 और फिर 32111 तो हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसके बाद भी अगर अपसाइड जाता है तो 3251 3288 3346 और देन जो फाइनल टारगेट रहेगा 3365 से लेके 3386 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में जैसे ये रिसेंट लो को अगर ब्रेक करता है 29 के आसपास तो हमें फिर से डाउन मूव मिलेगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा 2888 देन 2810 फिर 2714 और फिर 2637 और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 2560 रहेगा और 2540 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है अपसाइड में और उसी को हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये अपसाइड में जैसे ही जाता रहेगा तो हम अपने एसएल को ट्रेल करके बाय पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं, या तो फिर हम इसमें एक पोजिशनल एसएल लगा दें जो आज का लो है उसी का, और फिर हम अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। कॉमेक्स सिल्वर एमसीएक्स चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स चार्ट में सेम ही है, तो आज का अगर लो ब्रेक होता है तो हम उसमें से एग्जिट कर सकते हैं और हमारा बाय ट्रेड इनिशिएट ही है, तो बाय साइड के टारगेट हमारे ये रहेंगे। आप इन लेवल्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक्यूरेसी जो रहती है वो कॉमर्स के चार्ट में ज़्यादा रहती है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि अगर मार्केट ने 2-3% का मूव अपसाइड या डाउन साइड दे दिया है कॉमर्स के चार्ट में, तो एमसीएक्स का जो चार्ट है वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है, और इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए कॉमर्स के चार्ट को ही प्रीफर करिए। कॉपर, कॉपर में अगर आप देखेंगे कॉपर का एमसीएक्स का चार्ट काफ़ी हद तक ठीक वर्क करता है, भले ही जैसे भी मूवमेंट हो। तो कल जब कॉपर यहाँ पर था 862 के आसपास, तो मैंने कहा था कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 854 और फिर यहाँ पर 842 के आसपास का होगा। तो कॉपर ने फर्स्ट टारगेट हिट किया और देन सेकंड टारगेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फिर से एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 5854 के ऊपर निकलता है तो फिर से अपसाइड मूव के लिए जा सकता है, और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 869 देन 881 देन 893 और देन 905, तो यहाँ तक के हम टारगेट मिल सकते हैं। बाकी अगर आप लेवल्स नोट डाउन करना चाहेंगे तो लेवल्स आपके लिए अपसाइड के भी हैं 917 932 944 956 से लेके 959 तक, यहाँ तक। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड के जो टारगेट रहेंगे
841-829-826-812 और 802, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 790। यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं, सभी जो है कुल बैक मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी हमने कॉपर से भी एग्जिट किया था 856 के आसपास, क्योंकि सिल्वर और कॉपर का अगर आप देखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन लगभग थोड़ा सा सेम ही होता है, कुछ मार्जिनल इफेक्ट होता है बस, बाकी अगर आप देखें तो दोनों अगर अप जाते हैं तो दोनों ही अप जाते हैं, डाउन जाते हैं तो दोनों ही डाउन जाते हैं। क्रूड का अगर आप देखेंगे तो क्रूड का जो टारगेट थे, क्रूड में सभी टारगेट लगभग इसने फिट किए और फिर एक थोड़ा सा पुल बैक मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम करंट प्राइस से बाई कर सकते हैं और जो हमारा एसएल रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा 76.8 के आसपास, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 78.63 79.26 और फिर 80 तक के हमें टारगेट मिलेगा। M6 में अगर आप देखेंगे तो हमने जो बाई किया था वो बाई किया था 6100 के आसपास, और जो अभी भी है तो बाई ट्रेड से हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर कोई भी सेल सिग्नल नहीं बना है, ना तो WTI के चार्ट में ना ही M6 के चार्ट में, तो हमें फिर से अप मूव मिल सकता है। और जो हमारा फाइनल टारगेट है वो 6800 के आसपास का, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये जैसे ही, या तो हम लोग के एसएल के साथ बाई कर सकते हैं, या तो फिर आप बेस्ट जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा जो हाई है अपना 6510 के आसपास, तो इसको ब्रेक हो जाने दीजिए और फिर से हमारे अपसाइड के टारगेट मिल जाएंगे 6522-6625-6688-6739 और फिर फाइनल टारगेट 6790 से लेके 6800 तक का। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में जो फर्स्ट सपोर्ट है 6420-6357-6306-6255-6241 और फिर उसके बाद जो हमारा सपोर्ट है वो है 6182-6193। ये लेवल से क्रूड में अभी बाय ऑन डिप ही करना है। एक बार ब्रेंट का देख लेता हूँ मैं कि ब्रेंट में सेल सिग्नल बना है नहीं, ब्रेंट में भी अभी सेल सिग्नल कोई सा भी नहीं बना है हार्मोनिक पैटर्न के थ्रू। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर बाई सिग्नल बना है बॉक्स में और फिर उसके बाद लेवल से, तो अभी भी यहाँ पर कोई भी सेल सिग्नल नहीं बना है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो भी रिट्रेसमेंट ले रहा है वो 61% के लेवल से आसपास ले रहा है, 61.8 से लेके 65 तक का जो लेवल होता है ये रिट्रेसमेंट लेवल होता है, और यहाँ से ही ये ब्रेक किया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। और जब तक कि अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा 38 लेवल, तब तक हम इसमें आप बाई साइड ही रहेंगे। अगर आप देखें तो एक छोटा सा ही फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना रहा है, तो जैसे ही ये फ्लैग को फिर से ब्रेक करेगा, इसलिए मैंने कहा कि अगर रिसेंट हाई जो है अपना उस लेवल को ब्रेक करे तब अच्छा खासा फिर से हमें अपसाइड मूव कन्फर्मेशन के साथ फिर से मिल जाएगा। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में बाई के लिए जो भी लेवल्स हमारे बन रहे हैं वो भी सेम ही बन रहे हैं, तो करंट प्राइस में अभी थोड़ा सा आप एक बार वेट करिए, थोड़ा सा और डिप मिल जाए, अगर इस लेवल के आसपास मिल जाए तो फिर से हम बाई कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड सिल्वर कॉपर और क्रूड हो चुका। एनजी में अगर आप देखें तो एनजी में भी मैंने आपको बाई ऑन डिप ही कहा है। एनजी में भी अगर आप देखें तो एनजी ने एक डिप दिया और फिर से इसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया है, तो एनजी का भी सेम ही है कि बाय ऑन डिप ही करना है। अभी भी यहाँ पर कोई सा भी सेल सिग्नल नहीं बना है, तो एनजी भी ऊपर जाते रहेगा और अपसाइड के हमारे जो टारगेट मिलेंगे 261-271-274-285-293 और फिर 303। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड के जो सपोर्ट है, डाउन साइड के जो इसने फर्स्ट सपोर्ट है 239.8 लगभग 240 के आसपास, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर से अपसाइड जा रहा है, तो अभी भी इसमें हम बाय ऑन डिप ही करेंगे। अगर ये रिसेंट हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें फिर से भी एंट्री ले सकते हैं। जिंक का देखेंगे
तो जिंक ने भी डिप दिया और फिर से ये अपसाइड गया और फिर एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिंक के भी अगर आप देखेंगे तो कॉपर और सिल्वर जैसे ही चार्ट्स हैं, तो हमें अपसाइड जिंक में भी देखने को मिल सकता है। लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अपडेट अगर आप देखेंगे तो लाइव मार्केट में ही गोल्ड ने अच्छा मूव दिया $4 के आसपास का, जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो 2306 के आसपास का था और अभी 2310 पहुंच चुका है। सिल्वर में ही अगर आप देखें तो सिल्वर ने भी 10 पॉइंट्स के आसपास का अप मूव दिया है। डिस्कशन करते करते ये देखिए बड़ी एक कैंडल बनी है, तो अभी भी यही मूव की एक्सपेक्टेशन थी और ये अभी मूव कंटिन्यू रहेगा और फिर 29.60 के आसपास तक इसको जाना चाहिए, तभी हम इसमें बाय ऑन डिप ही करेंगे। लास्ट जो बचता है बिटकॉइन, बिटकॉइन में अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में कल मैंने डिस्कशन किया था कि जब तक 70,600 को लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज ही करेंगे। और अगर आप देखें तो अच्छा खासा बिटकॉइन ने डिप दिया है, कल इस लेवल के आसपास था 70,000 के आसपास, कल के वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि 70,600 इस लेवल के आसपास जब तक अभी ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। तो अगर आप देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला 70,000 से लेके इसने जो डिप दिया है वो दिया है 66,700 के आसपास, अप्रॉक्स 3,300 पॉइंट्स का प्रॉफिट किसी ने भी अगर प्ले किया है तो अभी भी होल्ड कर सकता है। अभी भी इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी रिवर्सल के पैटर्न्स नहीं बन रहे हैं और ये डाउन जाने की कोशिश करेगा, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 65,300, देन सेकंड टारगेट 63,500 से लेके 61,600 और देन 59,400 और फिर 57,600। तो और उसके बाद जो फाइनल टारगेट रहेगा वो यहाँ पर 57,000 से लेके 57,500, तो यहाँ पर हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे ही। अपसाइड के लिए अगर आप देखें तो अपसाइड में अगर ये रिवर्सल के लिए प्ले करना है तो 67,000 या 68,000 अगर ब्रेक करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि एक बार यहाँ से अपसाइड गया और फिर हम बाई कर लेंगे, एक बार यहाँ तक जाए 68,000 फिर एक डिप मारे और रिसेंट लो को ब्रेक ना करे और फिर अब जाने की कोशिश करे तब हम बाई करेंगे, फिर हम मानेंगे कि एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो प्राइस क्या करेगा यहाँ तक जाएगा और किसी लेवल से फिर से सडन फॉल आ जाएगा। तो रिवर्सल के लिए अगर आप देखें तो रिवर्सल के लिए जैसा हमने सिल्वर में प्ले किया है और गोल्ड में भी प्ले किया है तो सेम चीज़ हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक प्राइस गया फिर एक डिप दिया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इससे भी ज़्यादा अच्छा जो गोल्ड ने बनाया है, गोल्ड ने काफ़ी अच्छा बनाया है। ये देखिए जैसे मैं कह रहा था कि जो फर्स्ट टारगेट है वो 23,14 के आसपास का है और फिर जो हमारा सेकंड टारगेट वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो मार्केट में ऐसे ही एक बॉटम बनता है, प्राइस फॉल हुआ, एक अपसाइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर वहां से फॉल दिया लेकिन रिसेंट लो को ब्रेक नहीं किया। अगर लो को ब्रेक भी करता है तो थोड़ा सा ही मार्जिनल पॉइंट्स में जाए, 5-10 पॉइंट, मतलब जो परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 0.5% से कम होना चाहिए, और 0.5% से अगर कम होता है तो फिर वहाँ से हम एक रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं। सिल्वर में अगर आप देखें तो सिल्वर में भी लो को तो इसने ब्रेक किया लेकिन जो लो बनाया वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाया, यहाँ पर इसने लो बनाया था 29.10 के आसपास और उसने फिर से एक जो लो बनाया 29 के आसपास, तो यहाँ पर इसने लो बनाया और फिर से अब जाने की कोशिश कर रहा है, तो सेम चीज़ रहेगी डाउन साइड के लिए भी। तो ये रही दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।